नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बिहार में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को राहत मिल गई है। प्रशिक्षण से हो रहे शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर अवकाश देने की मनाही के बाद अब शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है। खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि इसमें 10 11 को ईद तो 17 अप्रैल को रामनवमी का अवकाश रहेगा। आखिरकार के पाठक के शिक्षा विभाग को नीतीश सरकार के सामने झुकना ही पड़ा। बिहार में आखिरकार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों के लिए राहत की खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार के आदेश पर मुहर लगाते हुए 3 दिन के छुट्टी पर मुहर लगाते हुए पास कर दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से खबर आई है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षक को 10 एवं 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी के अवकाश पर रहेंगे। बिहार में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को राहत मिल गई है। प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर अवकाश देने की मनाही के बाद अब राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है। इसमें 10 11 को ईद तो 17 अप्रैल को रामनवमी का अवकाश रहेगा। आखिरकार के पाठक के शिक्षा विभाग को नीतीश सरकार के सामने झुकना ही पड़ा। बता दें, इस संबंध में 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग आदेश जारी हुए हैं। पहले आदेश में ईद पर तो 2 एवं रामनवमी पर 1 दिन के अवकाश की सूचना दी गई थी। दूसरे आदेश में अवकाश की सूचना को फर्जी करार कर दिया गया। वहीं अब तीसरे आदेश में दोनों त्योहारों के लिए 1-1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। 10 और 11 अप्रैल को ईद एवं 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर मिले इस अवकाश पर प्रशिक्षणर शिक्षक आनंदित हो ही रहे थे कि मंगलवार को शिक्षा विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अवकाश की सूचना का खंडन किया है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर शिक्षा विभाग से संबंधित एवं प्रेस नोट प्रसारित किया गया कि 11 और 10 एवं 19 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया है। यह प्रेस नोट शिक्षा विभाग का नहीं है। यह प्रेस नोट पूर्णतः भ्रामक एवं फर्जी है। अब प्रशिक्षण क्रमश 14 एवं 21 अप्रैल को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुपस्थिति की हालत में शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। तो जैसा कि आपने सुना, 10 और 11 अप्रैल को ईद एवं 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर मिले इस अवकाश पर शिक्षक आनंदित हो ही रहे थे कि मंगलवार को शिक्षा विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अवकाश की सूचना का खंडन किया। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।